पोपाबाई 7 बजे दारू पी के सो जाती थी। सुंदरा पोपाबाई इसलिए लगती है कि वो 7 बजे दारू पी के सोती थी, 8 बजे दारू पी के सो जाती है। प्रदेश की राजनीति में इनकी पहचान कराने की शायद ही जरूरत है। ये नागौर के सांसद और RLP पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल हैं। बेनीवाल पहुंचे थे सिवाना विधानसभा क्षेत्र के समदड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुरा के चिड़िया गांव में नव निर्वाचित सरपंच चुन्नी देवी के अभिनंदन समारोह सभा में, जहां जनता को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने पूर्व CM को लेकर क्या कहा वो सुन लीजिए। मैं तो पिछली बार पोपा भाई का राज कहता था वसुंधरा के राज को कि भाई पोपा भाई का राज है। मुझे किसी ने कहा उस समय की बात है कि पोपा भाई, मैंने पूछा पोपा भाई कौन थी, पोपा भाई का राज तू सुनते है? अपने जोधपुर में पोपावास गांव भी है, अजू कौन था पोपावास। तो मैंने कहा कि पोपा भाई के पोपावास की तो नहीं थी, उसका पोपावास की तो नहीं थी, लेकिन पोपा भाई के राज में ये होता था कि पोपा भाई 7 बजे दारू पी के सो जाती थी, वो अपना काम चलता था। और मैंने कहा वसुंधरा पोपा भाई इसलिए लगती है कि वो 7 बजे दारू पी के सोती थी, 8 बजे दारू पी के सो जाती है, तो मुझे पोपा भाई की बहन लगी दूसरी। प्रदेश की पूर्व CM वसुंधरा राजे पर हनुमान बेनीवाल का ये बयान पहली बार नहीं है। बेनीवाल ने पूर्व CM को पहले भी क्या क्या कहा है जरा वो भी सुनिए। आपका सर भाजपा के साथ गठबंधन है और आप वसुंधरा जी को नागिन कह रहे हैं। वो तो पहले ही कहता था, वो नई बात क्या, रिन्यूअल, वो तो मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ। नागिन तो आपको पता, नागिनों में तो फिल्में बनी है कई, नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, तो नागिन में सपेरा एक आई थी ना फिल्म, मैं तेरी नागिन है, नहीं सपेरा सो के लो। सांसद बेनीवाल और पूर्व CM वसुंधरा राजे की राजनीति द्वेष वाली लड़ाई है या फिर कोई ऐसी दुश्मनी जो सांसद हनुमान बेनीवाल पूर्व CM वसुंधरा राजे पर हमला करने से कोई मौका नहीं चूकते। नागौर की 33 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सांसद का किसी महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना कितना शोभनीय है, वो भी तब जब चल चरित्र चेहरे की बात करने वाले BJP के गठबंधन के वो सांसद बने। महिला अधिकारों की बात और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।